डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ कुछ जगहों में आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया है और साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया है। वेस्टर्न पी में आइसोलेटेड बारिश हुआ, सबसे ज़्यादा बारिश उज्जैन में हुआ 9 मिलीमीटर, और ईस्टर्न पी में भी आइसोलेटेड बारिश दर्ज किया, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ 18 मिलीमीटर मंडला डिस्ट्रिक्ट में। और थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट्स है वेस्ट एमपी का 8 डिस्ट्रिक्ट से और ईस्ट एमपी का 7 डिस्ट्रिक्ट से। और मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है दतिया में, 43.7 डिग्री सेल्सियस हुआ, और सिद्धि में 41 डिग्री सेल्सियस हुआ ईस्ट एमपी में। अब अभी सिस्टम के बारे में देखा गया तो यहाँ पे अभी मेनली 3 सर्कुलेशन है। एक राजस्थान की वेस्ट साइड में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ईस्टर्न राजस्थान में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 0.9 किलोमीटर में, और साउथ वेस्ट एमपी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर में है। तो ये अभी भी ये सर्कुलेशन की वजह से आप इसमें देख सकते हैं साउथ वेस्ट एमपी और सदर्न एमपी के काफ़ी जगहों में अभी भी मतलब कन्वेक्शन और क्लाउडिंग दिख रहे हैं। तो ये स्थिति आने वाले दिनों में मतलब आज और कल में भी ये परसिस्ट करेंगे, तो इसके हिसाब से हमने चेतावनी जारी किया है। और अभी टेम्परेचर का देखा गया तो आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों में अभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ये नॉर्दर्न पार्ट में स्पेशली ये रीजन में देखा गया तो टेम्परेचर 42 रेंज में चल रहे हैं। तो ये सब स्थितियों के हिसाब से हमने अभी चेतावनी ऐसे जारी किया है। तो आने वाले दिनों में आज से देखा गया तो सदर्न एमपी में, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एमपी में आज और कल भी थंडरस्टॉर्म और गस्ट इवेंट का चांसेस है। मतलब 2 दिन से कंपेयर किया तो इसका इंटेंसिटी कम हो गया, विंड स्पीड अभी 40-50 किलोमीटर पर तक जा रही है। और नेक्स्ट डे में देखा गया तो और ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, जैसे खंडवा खरगोन से ईस्ट एमपी के साउथ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म का चांसेस कल भी है। और उसके बाद देखा गया तो ये सिस्टम कमजोर हो रही है, कम्प्लीटली नहीं दिख रहे है मतलब एमपी के ऊपर, और टेम्परेचर ऊपर की मतलब नॉर्दर्न एमपी के काफ़ी जगहों में टेम्परेचर अभी बढ़ने का ही चांसेस है। तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ने का चांसेस है, तो हम इसके हिसाब से अभी हीटवेव का कंडीशंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो इसके हिसाब से अभी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। थैंक यू।